नेक्स्ट है सेंट्रॉइड पे बेस्ड। हालांकि सेंट्रॉइड का जो है सिलेबस में क्लियरली तो नहीं लिखा है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मतलब कर लेते हैं मतलब, ठीक है समझ रहे हो। सेंट्रॉइड का वैसे पहले भी नहीं लिखते थे तो मैं बताऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं सेंट्रॉइड का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, बस फॉर्मूला रिवाइज हो जाए, फॉर्मूला रिवाइज हो जाए कि अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट अगर सी है, अगर एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन और एक पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, एक पॉइंट है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ठीक है। अगर ये तीन पॉइंट हैं, अगर ये ठीक है तीन पॉइंट है, तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है आपका वो होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो इसके आगे देख लेते हैं क्या है। अब क्या दे रखा पढ़ लेते हैं। टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल दिस दिस सेंट्रॉइड गिवन है, थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है। तो ठीक है, दो वर्टेक्स का मतलब हो गया ये फोर कॉमा माइनस टू है और ये टू कॉमा माइनस सिक्स है, मतलब तीसरा पूछ रहा है यानी एक्स थ्री वाई थ्री पूछ रहा है आपसे और सेंट्रॉइड गिवन है। तो पहले अगर मैं फॉर्मूले से सेंट्रॉइड लिखूं तो कितना आएगा, एक्स वन यानी फोर, एक्स टू यानी टू, एक्स थ्री आपको निकालना है अपॉन थ्री कॉमा वाई वन माइनस टू, वाई टू माइनस का सिक्स, वाई थ्री आपको निकालना है अपॉन टू थ्री। ये हो गया सेंट्रॉइड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये मैंने पॉइंट रख दिया, ठीक है। अब आपको सेंट्रॉइड गिवन है जीरो कॉमा वन, तो जी आपको गिवन था जीरो कॉमा वन, इसका मतलब ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि फोर प्लस टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री को जीरो के बराबर कर दो तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये सिक्स प्लस एक्स थ्री, तो एक्स थ्री कितना आ गया माइनस का सिक्स। सिमिलरली ये जो है वो वन के बराबर कर दो, यानी माइनस टू माइनस सिक्स प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू वन, तो माइनस का एट प्लस वाई थ्री इक्वल टू थ्री, तो वाई थ्री कितना आ जाएगा इलेवन आ जाएगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस सिक्स कॉमा इलेवन। क्या ए पार्ट आ गया, क्या आपका आंसर ए पार्ट आ गया, 71% बच्चों का है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कह सर डिलीटेड है क्या, देखो 99% बोलूंगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा सेंट्रॉइड पे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है, सेक्शन फॉर्मूला लिखा है, और ये क्या है ना, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो ऑप्शनल एक्सरसाइज में है उसका ये क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक कहीं दे नहीं रखा है और उसमें क्लियरली है नहीं, तो मैं कहूंगा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इस पर, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत है इसके लिए, एक